ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में मिलिट्री कर्नल को मैंने एक रॉयल विंटेज कार गिफ्ट करी थी, क्योंकि उसने उस हैकर को ट्रेवर को छोड़ने की परमिशन भी दे दी थी। अब उस हैकर ने हमें एक सीक्रेट लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाया था और वहां पर जाकर हमने ट्रेवर को ले लिया। लेकिन जब हम लोग वहां से वापस आ रहे थे तो बीच रास्ते में ना हमारे ऊपर काफी खतरनाक टेररिस्ट का अटैक हुआ, जिसके अंदर जैसे जैसे करके मैंने कुछ टेररिस्ट को तो मारा, और जैसे ही हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ कर से भाग के निकल ही रहे थे तो अभी पता चला कि गाड़ी की जो पीछे वाली डिक्की है उसके अंदर उन्होंने बॉम्ब प्लांट कर दिया। अब यार वो जो बॉम्ब था भाई वो काफी ज्यादा डेंजरस था, तो अपनी गाड़ी से कूद के मैंने उस गाड़ी को एक खाई में फेंका। और अच्छी बात तो ये थी कि ट्रेवर और फ्रैंकलिन भी सही टाइम पर कूद गए और वो जो गाड़ी का बॉम्ब है कुछ देर बाद ही वो ब्लास्ट हो गया, जिससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा और हम लोग दूसरी गाड़ी लेकर जल्दी से लॉस सैंटोस वापस आ गए थे। और वापस आते मेरी मिलिट्री कर्नल से दोबारा बात हुई और मिलिट्री कर्नल ने ये बोला कि वो थोड़े टाइम के लिए लॉस सैंटोस से बाहर जा रहा है, और जाते जाते उसने ये कहा कि जो तुम्हारा दोस्त अंडरवाटर माफिया वो आज भी जिंदा है, पहले फेक न्यूज दिखाई गई थी, और अगर तुम्हें उसे बचाना है तो उसके लिए तुम्हें बिग माफिया के भाई को भी मरवाना पड़ेगा। अब यार देखो ये जो चीज है ना मेरे को काफी ज्यादा बेकार लगी मिलिट्री कर्नल की, मतलब इस चीज के बीच में यार बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यार दोनों ही हमारे काफी अच्छे दोस्त हैं। अंडरवाटर माफिया ने भी हमें कई बार ही बचाया है और बिग माफिया के भाई ने तो भाई हमको पूरा का पूरा अपना अरीना वॉर का बिजनेस तक गिफ्ट करा है। अब यार देखो सीन ये है कि मुझे अंडरवाटर माफिया को बचाना भी है और बिग माफिया के भाई को मारना भी नहीं है। अब ये जो चीज है भाई मिलिट्री कर्नल नहीं सुनने वाला, उसको बस ये चाहिए कि बिग माफिया के भाई को हम लोग मार दें और वो अंडरवाटर माफिया को छोड़ देगा। अब यार देखो वो तो चलो यार बात की बात है, अब इसके जो आगे क्या करना है कैसे करना है सब कुछ लेस्टर बताएगा, तो भी लेस्टर के पास मैं चलूंगा थोड़े देर बाद। लेकिन गाइस अभी ना मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जो मेरी गोल्ड लिमोजिन थी ना आपने नोटिस करा होगा लास्ट टाइम वो यहां पर नहीं थी, तो वो पता है कौन ले गया था? वो ले गया था जिमी, यानी जो माइकल का सन है भाई, आजकल वो माइकल की गाड़ियां ड्राइव करने लग गया है। तो भी जल्दी से चलते हैं उसके पास, उससे पूछते हैं उसने जो गाड़ियां कहां पर खड़ी करी है, कहीं ऐसे तो नहीं कहीं उसने गाड़ी ठोक दी हो और इधर उधर छुपा दियो या फिर कहीं ले जाके बेच दियो। अभी फिलहाल वो नजर भी नहीं आ रहा, तो ओके ये रहा, अभी जल्दी से इसको मैं अपने साथ लेकर चलता हूं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर इसकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है और गाइस ये कह रहा है कि अपनी गोल्ड लिमोजिन को अपने घर से ड्राइव करके ले गया था दूसरे वाले गैराज तक, ताकि कोई घर से चोरी वोरी कर ना ले जाए। वैसे काम तो इसने बिल्कुल ठीक करा है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी से ड्राइव कैसे कर ली यार। मतलब लिमोजिन इतनी ज्यादा लंबी कार है ना, उसको ड्राइव करना थोड़ा बहुत मुश्किल है। खैर छोड़ो, कोई नहीं, मेरे को ना इस पर पूरा विश्वास नहीं है, तो भी जल्दी से ना मैं अपने साथ ही लेकर चल रहा हूं अपने गैराज तक, वहां पर चलकर देखते हैं अपनी गाड़ी है या फिर नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी गाड़ी ले जाकर इसने कहीं बेच दियो और हमें पागल बना रहा हो। बाकी अभी जल्दी से चलते हैं सीधा इसके साथ बाकी अपनी लैम्बोर्गिनी से आने, और मैं कितने दिनों बाद चला रहा हूं, तो अपना जो गैराज है यहां पर लेफ्ट वाले रोड पर जाना है। अभी जल्दी से चलकर देखते हैं वहां पर अपनी गोल्ड लिमोजिन है या फिर नहीं है। और यार मैं काम करता हूं, अपनी जो बुगाटी डीवो है ना जो कि हमने एक रेस टूर्नामेंट में जीती थी, उस टाइम पर मार्टिन मद्रासो के घर के बाहर खड़ी हुई है। अगर इसको ड्राइविंग आती है जिमी को तो मतलब लिमोजिन ले जा सकता है, तो भाई फिर वो भी ड्राइव कर ही लेगा। तो जल्दी से वहां से ना बुगाटी डीवो भी लेकर आ जाएंगे, मैं अपनी सियान ले आऊंगा, वो बुगाटी डीवो ले आएगा। वैसे जो अपना गैराज यार इसी रोड पर था, तो एक तो मैं गैराज भी भूल जाता हूं, तो भी जल्दी से आगे चलते हैं। और भाई लैम्बोर्गिनी सियान को ठोकना मत, मैं बहुत दिनों बाद चला रहा हूं। तो चलो गाइस अभी फिलहाल हम लोग अपने सीधा गैराज पर पहुंच चुके हैं, जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहां पर राइट मोड़ता हूं। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़े कर देता हूं, अभी जल्दी से अंदर चलकर देखता हूं कि आखिरकार इसने अंदर गोल्ड लिमोजिन खड़ी करी थी या फिर ये झूठ बोल रहा है। वैसे तो मेरे हिसाब से सच ही बोल रहा होगा, क्योंकि हमारे साथ यहां तक आ गया भाई। तो भी फटाफट से मैं गैराज खोलता हूं और अंदर चलकर देखते हैं अपनी गोल्ड लिमोजिन है या फिर नहीं। वैसे होगी, बाकी तो यहां पर ये देखो भाई गोल्ड लिमोजिन तो अंदर है, लेकिन यार एक दिक्कत की बात मेरे को ये लग रही है कि इतनी बड़ी गाड़ी ड्राइव करके कैसे ले आया, और बिल्कुल एक भी डेंट नहीं आया भाई कार पे, बिल्कुल एकदम वैसी वैसी शाइन कर रही है। वैसे अच्छी बात, अपनी गाड़ी बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई, और चोरी होने का ना खतरा गाइस बहुत ज्यादा, क्योंकि पूरी प्योर गोल्ड की कार है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपने गैराज से बाहर आ चुका हूं, जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते और यहां से निकल लेते हैं सीधा मार्टिन मद्रासो के घर के लिए। और वहां पर जाकर ना गाइस अभी मैं जल्दी से अपनी बुगाटी डीवो भी लेकर आने वाला हूं। वैसे बुगाटी डीवो मैं इसको ही दे दूंगा, ये अपना लेकर आएगा, और बाकी मैं चले जाऊंगा सीधा बैनी के पास। अपना यार जितना भी शोरूम से रिलेटेड काम है उसको खत्म करते हैं, क्योंकि बैनी कह रहा है कि काफी सारी गाड़ियों के ऑर्डर भी आए हैं और 3-4 गाड़ियां हमें लिबर्टी सिटी से खरीद के भी लानी है, मतलब बहुत सारे काम है। नया शोरूम भी खरीदना है, वो जो शोरूम है आजकल छोटा पड़ जाता है, और वैसे इस टाइम पर हमें गैंगस्टर वगैरह से खतरा नहीं है, तो हम कहीं पर भी शोरूम खोल सकते हैं। पहले तो ये था, हमने शोरूम नॉर्मली ओपन खोला था, लेकिन उसके ऊपर अटैक हो गया था, पूरा जला दिया था, सारी गाड़ियां ब्लास्ट हो गई थी। बट अभी इतना खतरा नहीं है, सब लोग हमसे डरते हैं, तो कोई भी अपने ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा मार्टिन मद्रासो के घर पर। और गाइस यार ये जो कार है ना, मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई बिल्कुल भी ठुकती ही नहीं है, मतलब ऐसी ऐसी पतली पतली जगह से मैं इसकी कटिंग्स निकालता हूं ना भाई, मतलब मजा ही आ जाता है। तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर खड़ा करता हूं। और यार देखो मार्टिन मद्रासो का घर है ना काफी ज्यादा अच्छी जगह पर है, काफी बड़ा घर है, और मेरे को लग रहा था कि इस घर को हम अपना पर्सनल हाउस बना लेते हैं, लेकिन यार कोई फायदा नहीं, अपना घर ही ज्यादा बढ़िया है। और यहां पर आप लोग देख पा रहे हो ये अपनी बुगाटी डीवो काफी ज्यादा गंदी हो चुकी है, मतलब यार ऐसा लग रहा है
एक महीने से यहाँ पर खड़ी है। तो चल एक काम कर भाई जिमी, ये गाड़ी तू चला, अपनी लैम्बोर्गिनी से यार मैं ही चलाता हूँ। तो अभी जल्दी से इसे लेकर चलते हैं, वॉश वॉश करवाते हैं। बाकी अभी ना मेरे को लेस्टर कॉल आया, लेस्टर मिलने के लिए बुला रहा है, तो वैसे उसको भी मेरे से मतलब मिलना ही था और मैं भी उसको कुछ बताना चाहता हूँ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने जिमी को बोल दिया है वो गाड़ी को घर पे ले जाके पार्क कर देगा वॉश करवा कर। तो अभी हम लोग भी फटाफट से यहाँ पर से निकलते हैं। बाकी तो यहाँ पर आप लोग यार देख ही पा रहे हो जिमी को भाई कितनी ज़्यादा तगड़ी ड्राइविंग आ गई है, और भाई आराम से चला भाई, कितनी तेज भगा कर ले जा रहा है। तो चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल मैंने से बोल दिया वॉश वॉश करवा के गाड़ी एकदम आराम से पार्क कर दियो। बाकी अभी ना हम लोग भी यार फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं। यार ये तो कुछ ज़्यादा तेज नहीं चला रहा, मेरे को लगता था ट्रैवर सबसे तेज चलाता है, लेकिन यार ये तो उससे भी ज़्यादा ट्रिपल स्पीड में चला रहा है। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल जिमी अपनी बुगाटी डीवो लेकर यहाँ से सीधा जा चुका है। मुझे अपनी गाड़ी को इधर से लेफ्ट मोड़ना है, क्योंकि गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ लेस्टर की फैक्ट्री के लिए। उसी जगह पर उसने मेरे को मिलने के लिए बुलाया, और अभी जल्दी से हम लोग वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं आखिरकार क्या प्लान है लेस्टर का, उसको पूरी की पूरी बात हम लोग बता देंगे। मिलिट्री कर्नल ने हमें ऑफर दिया है अंडरवाटर माफिया को बचाने के लिए, लेकिन उसके लिए बिग माफिया के भाई को माना है, और देखते हैं इसको सुनने के बाद लेस्टर क्या कहता है। तो अभी फटाफट से अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को फुल स्पीड में भगाते भगाते निकल लेता हूँ। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा लेस्टर की फैक्ट्री में, यानी कि जो लेस्टर का सीक्रेट बेस है वहां पर। तो अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को इधर से पूरा का पूरा यू टर्न लेता हूँ। और वैसे ना गाइस आप लोग को इस जगह की एक खास बात नहीं पता होगी, मतलब क्या यहाँ से भागने के या फिर यहाँ पर आने के ना तीन चार रास्ते हैं। अब पहला रास्ता तो समझ लो ये हो गया, दूसरा रास्ता ये हो गया, और तीसरा रास्ता एक पीछे रेलवे ट्रैक वाला है, और एक गली ना गाइस यहाँ पर भी जा रही है। अभी फिलहाल मैं इधर तो आ गया, और गाइस मैंने एक चीज नोटिस करी, अपने सामने कुछ खतरनाक चीज खड़ी हुई है। अब यार देखो ये जो यहाँ पर आप पीछे रेंज देख पा रहे हो, ये तो फिलहाल फ्रैंकलिन की है, लेकिन ये येलो वाली लैम्बोर्गिनी लेस्टर की है क्या भाई? कसम से काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। लेकिन गाइस एक बात बताऊं, ये ना देखने में मेरे को अपनी लैम्बोर्गिनी लग रही है। आप लोग को याद होगा काफी टाइम पहले ना सेम टू सेम ऐसी लैम्बोर्गिनी बैनी ने हमारे लिए मॉडिफाई करी थी, जिसको हम लोग एक जगह पर छोड़कर आ गए थे, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था उसको लेकर आने का। फिलहाल देखने में वैसे ही लग रही है, कलर भी बिल्कुल वैसे ही है, मॉडल भी यही वाला है, लेकिन अभी पता नहीं है किसकी लैम्बोर्गिनी है। अभी जल्दी से ऊपर चलते हैं, देखते हैं इनमें से किसी की होगी। फिलहाल यहाँ पर फ्रैंकलिन भी आया हुआ है, अच्छी बात तो ये है। अभी फटाफट यहाँ पर हम लोग लेस्टर से बात करते हैं और देखते हैं इस बारे में लेस्टर क्या कहता है। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैं यहाँ पर ऑफिस के अंदर तो आ चुका हूँ। फ्रैंकलिन तो अपना चिल मार रहा है, लेकिन ट्रेवर इतना ज्यादा उदास क्यों है? अभी इन तीनों से बात करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। तो ओके गाइस सर अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है, और गाइस लेस्टर कह रहा है कि अभी ना वो पूरी कोशिश करेगा कोई ऐसा प्लान बनाने की कि जिसके अंदर हम लोग अंडरवाटर माफिया को भी बचा ले और हमें बिग माफिया के भाई को मारना भी ना पड़े। अब यार देखो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन गाइस अभी ना अपना एक दोस्त जो है वो हमें छोड़कर जा रहा है। मतलब यार ट्रेवर कह रहा है कि वो ना इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया लड़ लड़के, और वो अपने गाँव वापस जाना चाहता है कुछ टाइम के लिए। अब वहां पर ना इसके कुछ दोस्त हैं, तो वहीं पर थोड़े टाइम के लिए रहेगा। बाकी यार देखो जाने को तो ये अकेले भी जा सकता था, लेकिन लेस्टर ने हम तीनों को मना कर रखा है अकेले शहर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि इस टाइम ना हमें टेररिस्ट से बहुत ज्यादा खतरा है। बाकी वरना अभी तक तो ट्रेवर जा चुका होता। तो यार देखो अभी तक तो फिलहाल लेस्टर ने ट्रेवर को यहीं पर रोक के रखा हुआ था कि जब तक माइकल नहीं आ जाएगा, मीन्स जब तक तुम तीनों इकट्ठे नहीं हो जाओगे तब तक शहर से बाहर नहीं निकलना। अभी फिलहाल यहाँ पर हम तीनों भी इकट्ठे हो चुके हैं, यार अभी ना हमें ट्रेवर को छोड़कर आना पड़ेगा। तो यार अभी जल्दी से ये दोनों गाड़ियां तो अभी किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम तीन बंदे हो गए और ये दोनों गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ डबल सीटर है। तो अभी जल्दी से यहाँ पर फ्रैंकलिन की रेंज निकालते हैं। वैसे गाड़ी तो फ्रैंकलिन की भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। एक सेकंड उतरो, पीछे की डिक्की मैंने खोल दिया है, फटाफट से उसके अंदर पहले बैग रखते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर जो दोनों बैग्स है वो मैंने गाड़ी के डिक्की में रखवा दिया है। अभी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट से ये जो डिक्की है बंद करवा कर यहाँ से निकल लेते हैं सीधा ट्रैवर के गाँव के लिए। वैसे भी ना हमें ट्रैवर के गाँव पे नहीं जाना, उससे थोड़ा आगे जाना है। तो चलो गाइस ओल्ड डन, फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से बाहर निकालता हूँ, और अभी ना गाइस मैं शॉर्टकट पकड़ कर जाने वाला हूँ सीधा ट्रैवर के गाँव। वैसे यार ये जो रास्ता है ना एक टाइप से शॉर्टकट भी कह सकते हो, और काफी ज्यादा बढ़िया रास्ता भी कह सकते हो। मतलब ये जो लेस्टर की फैक्ट्री है ना, ये एक ऐसी जगह पर है कि कल को अगर यहाँ पर पुलिस की रेड होती है ना, तो हम लोग ऐसे ऐसे रास्तों से निकल कर भाग सकते हैं कि किसी को कुछ भी मालूम भी नहीं पड़ने वाला। वैसे यार अभी ये भी सीधा रास्ता है ट्रैवर के गाँव जाने का, बाकी यार यहाँ से मेरे को लेफ्ट लेना हाईवे आ जाएगा। तो कैसे को भी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लॉस सैंटोस से लेकर थोड़ा ही आ गया हूँ, और भाई इधर तो एकदम बारिश वाला मौसम हो रहा है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार मैं हाईवे से क्यों नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर नॉर्मल रास्ते से गाइस मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यार हाईवे पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का। शायद से ना आगे कोई खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, या फिर किसी की गाड़ी ना क्रैश या ब्लास्ट हुई है, पता नहीं क्या सीन है। खैर छोड़ो जो भी है, अभी जल्दी से ये जो रास्ता ना ये शॉर्टकट भी है उतना ही पड़ेगा, बट ये है कि रोड काफ़ी पतला है। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर उसी जगह पर पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर ट्रैवर के दोस्त यार रहते हैं। और गाइस मैं बात कर ही रहा था कि बारिश वाला मौसम हो रहा है, और थोड़ी देर में इतनी जोर की बारिश होने लग गई है, आप लोग को नजर ही आ रहा होगा भाई, गाड़ी की ना एकदम धचिया उड़ चुकी है, पूरा का पूरा कीचड़ भर गया होगा मेरे को तो ऐसा लग रहा है। लेकिन यार कोई नहीं, एक टाइप से काफ़ी मस्त ऑफ रोडिंग टाइप सा हो रहा है यहाँ पर। तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर मैं अंदर लेकर चलता हूँ, और यहाँ पर तो गेट है, रुक जाओ यार ये गेट मेरे को ही खोलना पड़ेगा उतर के। यार यहाँ पर कोई गार्ड वगैरह नहीं रहता, कैसी जगह ये? तो चलो अभी जल्दी से इसको खोलते हैं।
और वैसे भी यार ये यहाँ पर गांव में अभी ये कैसा गेट है, इतना हल्का गेट है, बेमतलब मैं गाड़ी से उतर गया। इसको तो गाड़ी में बैठे बैठे हम लोग खोल देंगे। जल्दी से बैठ फ्रैंकलिन, जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं अभी अंदर लेकर चलता हूँ, बाकी ये गेट टूट ना जाए, कुछ ज़्यादा ही हल्का गेट है। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं ट्रैवर के दोस्तों के घर। फिलहाल यहाँ पर मेरे को कोई भी ओके, तो वो देखो वो खड़ा अपना ट्रैवर का दोस्त, जल्दी से इससे बात करते हैं। इतनी तेज बारिश हो रही है और भाई सच्ची में पूरा ही ट्रैवर जैसा है। यहाँ पर देखो एकदम फुल डांस वांस करने में मस्त हो रखा है। इसका डांस ही देख लेते हैं। ओ भाई इसका डांस देखो। तो गाइस देखो बिना फिलहाल ये दोनों तो यहाँ पर आते ही अपना फुल एकदम डांस करने में मस्त हो चुके हैं। लेकिन गाइस यार हम दोनों को अपना टाइम इधर बिल्कुल भी वेस्ट। आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं कहता हूँ 650,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक करने, तो आगे गोल कंप्लीट कर दो। चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आज की वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। गुड बाय।